बताइए कि आप लोग खुश हैं ना वंदे भारत आने से? खुश हैं कि नहीं है? और इतने खुश है, 10 आदमी टिकट कटाएगा क्या? बाकी नहीं कटाएगा क्या? टिकट कटाना है? ऐसा बहुत सारा गाड़ी ये पुल नहीं जा रहा है, तो शुरुआत है। मंच में उपस्थित नवादा की विधायिका आदरणीय विभा देवी जी, वारसलीगंज की लोकप्रिय विधायिका अरुणा देवी जी, नवादा भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अनिल मेहता जी, नवादा के नवनियुक्त जदयू जिलाध्यक्ष अखिलेश विद्यार्थी जी, मंच में उपस्थित अखिलेश सरदार जी, पुष्पा देवी जी, मीना देवी जी और भारतीय रेल के वरिष्ठ पदाधिकारी जो इस नवादा में आज कई वंदे भारत की जोड़ी जो है प्रधानमंत्री जमशेदपुर से आरंभ किए हैं, उसमें से एक आपका भी जोड़ी निकला है और इस कार्यक्रम को नवादा में देखने के लिए आए हुए रेलवे की तरफ से नियुक्त वरीय पदाधिकारी प्रतीक जी। अब ट्रेन कुछ मिनट में ही बस पहुंचने वाला है। चार पांच बात से बात को कहना चाह रहे पूरे नवादा वासियों को। देखिए, या प्रधानमंत्री जी हो या बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, नवादा का विकास का पहिया अब चल पड़ा है, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। कहीं भी न बिहार सरकार न भारत सरकार में कोई अवरोधक है, लेकिन ये जन सहयोग से सकारात्मक सोच के चलते जो है ये विकास का पहिया चला है और तेजी से चलेगा, इसके लिए भी आज आपको हम आश्वासन पेश करते हैं। ये रुकने वाला नहीं, रेल हर जगह हर चीज से वंचित। अमृतकाल का स्टेशन में देखिएगा कि अंत में जब खड़ा होगा तो बहुत ही सुंदर बनेगा। वंदे भारत तो आपको आएगा, आपको जो है कई चीज का बार बार बताते भी रहते हैं कि क्या क्या चीज जो है पाइपलाइन है, रास्ते से है, बीच में होता है। आपको पटना के लिए जो है वो यहाँ से जो अभी जो गाड़ी चलती है 3 घंटा का दूरी 8 घंटा में, और सीधा लाइन बिहार शरीफ का जो है बनने के लिए डीपीआर जो है डीपीआर जो है वो प्रक्रिया भी आरंभ हो चुकी है। लेकिन वो बड़ा योजना है, वो बनेगा इसीलिए मेन लाइन से पटना होते हुए आपके लिए अभी आई है, लेकिन जब तक बनेगा उसके लिए निकल का भी रास्ता का हमने बात किया है कि कम से कम समय में यहाँ से पटना है। कई ऐसा ट्रेन है, अब ये तो ट्रेन है तिलैया से जो खुलता है उसका बात किए, दानापुर पैसेंजर से इसके खुलता है तिलैया दानापुर पैसेंजर, बहुत लोग होंगे वो इस वाले होंगे जानते ही होंगे, और पूरा खाली जाता है, रेलवे को भी कोई फायदा नहीं, ऐसा ट्रेन चलाने से क्या था? तो हम उसके जगह कम से कम ये कहे हैं कि राजगीर गया जाकर लोग ट्रेन पकड़ते हैं, राजगीर स्टेशन पे 6 घंटा के अंदर में 4 ट्रेन पटना के लिए निकलते हैं, उसी में से एक ट्रेन चाहे राजगीर इंटरसिटी हो इसको कम से कम नवादा में यहाँ तक खींच दीजिए, विचार शुरू है। अच्छा, एक अनुपयोगी ट्रेन यहाँ चलता है, ध्यान नहीं रहा तिलैया दानापुर पैसेंजर ट्रेन, उसको एक्सप्रेस में परिवर्तित कर दिया और इसका परिचालन क्यों शेखपुरा वारसलीगंज नवादा तिलैया गया जहानाबाद होते हुए पटना निकाल दिया, ऊपर भी काम शुरू हो चुका है। तो बुद्ध पूर्णिमा को जो पूर्णिमा 1 हफ्ता में हमको लगता है कि आ जाएगा अनुमति यहाँ से आपके नवादा को जो है, तो उसका विस्तार का भी जो है लगभग रास्ता पे है, तो खगड़िया उगड़िया जो लोग जाते हैं उन लोग को भी उस रास्ते में जो है शेखपुरा तो जाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब है काशी चक में उसी तरह से दोनों तरफ का एक यहाँ पर दोनों तरफ का टिकट काउंटर का मांग था वो भी अब होने जा रहा है, दोनों तरफ टिकट काशी चक में था कि कोई टिकट उधर भी है दोनों तरफ हो जाए, वारसलीगंज में भी टिकट का बात था, तो 3 घंटा सुबह और 3 घंटा शाम का ये एक निर्धारित हो गया है। उधर अरुणा जी के क्षेत्र में उधर जो है वहाँ भी लोग बैठने जा रहे हैं,
लेकिन इतना काउंटर टिकट का खुलेगा तो टिकट कटाने वाला नवादा का आदमी लोगों को आदत है नहीं, तो रेलवे का कमाई कैसे होगा, फिर ट्रिप कैसे चलेगा, फिर बंद कर देगा। अभी पूना हम चलवाए थे तो बोला कि पूना का रिजर्वेशन होना बंद हो गया, फिर जैसे तैसे फिर चालू कराया, चालू फिर रिजर्वेशन हो रहा। तो टिकट कटा के चलिए तो एक नहीं आपका डायरेक्ट लाइन जो बन रहा है उसके बाद लड़ी लग जाएगा गाड़ी का। अगर विकसित भारत के साथ विकसित नवादा के साथ हम चुनाव में संकल्प लिए तो हम उसी भेद में काम करें, लेकिन बिना आपके जन सहयोग के वो भेद पर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए सब लोग संकल्प लीजिए। अब यहाँ से आप वंदे भारत बैठिएगा, एक बार में दो ज्योतिर्लिंग का दर्शन करिए, जाइए देवघर जाइए, उसके बाद जाके काशी चलेंगे, काशी चलेंगे तो विंध्या चलेंगे। एक हमारे संपादक हैं यहाँ पर, उनका घर बनारस था, कहे कि हमारे लिए आप बहुत बड़ा उद्धार कर दिए सुनील जी, आपके कहे कि हम कैसे कैसे जाते थे अपना घर, अब ये कर हम बैठे हम सीधे काशी पहुंचे। तो इससे जो माध्यम बनता है इससे जगह का विकास बढ़ना शुरू हो जाता है, कल व्यापार बढ़ेगा, बहुत बहुत बढ़ेगा। कल हिसुआ में अगर पिट लाइन की बात है तो यहाँ पर पिट अगर बन जाएगा तो गाड़ी धुलने लगेगा यहाँ पर, तो वहां पर जो खाद का दिक्कत है किसानों के लिए जो गया से आता जो क्षेत्र खाली वारसलीगंज में नवादा में उतरता है और कहीं भी उतरता है वो उतरने लगेगा, गाड़ी यहाँ से शुरू होने लगेगा क्योंकि धुलाई जरूरी है, कोई पिट लाइन नहीं है। तो काफी कुछ रास्ते में सब्र भी करना है, जन सहयोग भी करना है। जिस तरह से बिजली से हम लोग परेशान है वो भी 1.5 से 2 साल में आपको ठीक हो जाएगा, चिंता मत करिए। 6 नया पावर स्टेशन नवादा में फंस गया है जो खुलने जा रहा है, इतना ही कहेंगे। नवादा जो है प्रधानमंत्री के विकसित भारत का जो मैप बना है इसमें आपको चढ़ाने में आपका सांसद सफल हो चुका है, इसलिए आपको चिंता नहीं करना है। विकसित भारत के साथ विकसित नवादा की संकल्प लेकर आगे निश्चित करेंगे और बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों के जन सहयोग से आप तो देखेंगे आरोग्य का कितना बड़ा चीज लंबे विषय हम भाग। इसी मन से बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री को भी आभार व्यक्त करते हैं कि रेल ओवर ब्रिज का जो उन्होंने अपना बिहार सरकार का हिस्सा का जो पारित कर दिया, इसका टेंडर का प्रक्रिया जल्दी जो है शुरू हो चुका है, आपके सामने में मिलेगा और थोड़े दिन में जाम से भी आपको मुक्ति मिलेगा। अब रहा नवादा का बाईपास का, तो बाईपास का भी काम शुरू हो गया है, भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों इसमें लगा हुआ है और जल्दी इसकी घोषणा भी आपको करने को मिलेगी। तो आने वाला समय जो है तो चिंता मत करिएगा कि आपका नवादा कैसा है, आपका नवादा गौरवमय नवादा होगा, गौरवमयी नवादा होगा और आप गर्व से कहिएगा कि मैं नवादा का वासी हूँ। इस भविष्य की कल्पना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।